हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यास्मीन। विकी कौशल और यामी गौतम की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने एक हफ्ते के अंदर ही 70 करोड़ 94 लाख की कमाई कर डाली है, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। इतना ही नहीं, तरन ने ट्वीट में ये भी बताया है कि विकी के इस फिल्म ने पहले हफ्ते में कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना और आलिया की फिल्मों को धूल चटा दी है। जहां सोनू के टीटू की स्वीटी ने एक हफ्ते में 45 करोड़ 94 लाख, राजी ने 56 करोड़ 59 लाख, स्त्री ने 60 करोड़ 39 लाख और बधाई ने 66 करोड़ 10 लाख की कमाई की थी। वहीं उरी की कमाई ने इन सभी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। विकी की ये फिल्म जिस तरह से कमाई कर रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। वैसे भी इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की चीट इंडिया रिलीज हुई है, जिसके रिलीज का भी उरी की कमाई पर कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा है। ट्रेड पंडितों की माने तो ये फिल्म अपनी रफ्तार लगातार जारी रखेगी और उरी इस हफ्ते भी धमाकेदार कमाई करेगी। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म साल 2019 की पहली हिट फिल्म बन गई है। बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स के साथ साथ दर्शकों की तरफ से भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या उरी 100 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। वैसे अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।